हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल पर। विचार चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर लगातार 4 वीक से ग्रीन कैंडल बन चुका है। इस वीक में एक कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ी कैंडल बनाया नहीं है, लगभग यहाँ पर 1200-1300 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया है पूरे वीक। तो अभी यहाँ पर हाई चांसेस है, 80% चांस है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें मिलनी चाहिए। रेड कैंडल इनसाइड हो सकती है या फिर थोड़ा इधर आकर के डाउन साइड में क्लोज कर सकती है, या फिर थोड़ा ऊपर जाकर के इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल या फिर डोजी कैंडल, कोई भी कैंडल बना, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन है। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बनाते हैं उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। फिलहाल अभी इसमें एक रेड कैंडल बनने की उम्मीद है। अब हम लोग यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रीवियस स्विंग को इसने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया एंड यहाँ पर भी किया, ये नीचे तो आया बट आ नहीं पाया और यहाँ पर इस स्विंग को एक्सपेक्ट किया। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होनी चाहिए, अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेकडाउन करती है, 52,000 का लेवल ब्रेकडाउन करती है तो इसका जो टारगेट है 50,500-600 का टारगेट, यहाँ पर इसका टारगेट निकल के आ रही है। अगर 52,000 का लेवल टूटा तो इसके नीचे इसका टारगेट हो सकती है 50,500-600 तक टारगेट हो सकती है डेली बेसिस पर। अब हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, मंडे के दिन में कहाँ पे हमें बाय एंड सेल के लिए प्लान करनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के मोमेंटम बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेवल पर मार्केट ओपन हुआ था, ये 52,500 पर साइकोलॉजी लेवल के पास में ओपन हुआ और बहुत ज्यादा इसने फ्लैटिलिटी क्रिएट किया। अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल पर क्लोज किया है, ये 52,600 के पास में क्लोज किया है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते हैं एंड ये जो स्विंग बना हुआ है 52,750 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं 5 मिनट के, तो ये बाइंग में जा सकता है। 53,000 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड नेक्स्ट टारगेट ये जो गैप इसने क्रिएट किया है 53,075 का, जो ये टारगेट है यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, यानी कि 53,000 से लेकर के 53,100 तक के बीच में यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। सेलिंग हम लोग कहाँ पर करेंगे, ये जो स्विंग है यहाँ पर स्विंग का ब्रेकडाउन होना चाहिए 400 के नीचे, 52,400 के नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग सेल में जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को जो टारगेट होना चाहिए 52,000 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 52,050-52,000 का टारगेट होना चाहिए अगर 52,400 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो। फ्लैट ओपनिंग के बाद ये जोन थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा या फिर यहाँ पर ट्रैपिंग जोन हो सकती है, यहाँ पर फालतू का एसएल रहेगा, इसलिए क्लियरली प्राइस सेक्शन बनने दे। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है सपोर्ट एट 52,900-53,000 ये सारे जोन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें बस करनी है यहाँ पर एम पैटर्न हो या फिर एक रेड कैंडल बन जाए 15 मिनट का, फिर उसके लो का ब्रेक डाउन करे तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। जो फर्स्ट रेड कैंडल बनना चाहिए 15 मिनट का, बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए, इस तरीके की बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए, और स्मॉल कैंडल होना चाहिए लगभग 120-150-160 के रेंज में होना चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है सपोर्टेड 52,000 के पास में ओपन होती है तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, क्योंकि ये जो लेवल ब्रेकआउट करके अपसाइड में गया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट कर चुका है एंड ये नेक्स्ट टाइम में आ रही है, सेकेंड टाइम में यहाँ पर 52,000 पे आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पर ओपन हो रही है, मे भी यहाँ से रिजेक्शन या फिर डाउन पर कंटिन्यू कर सकती है, तो इसके लिए प्राइस सेक्शन देखना चाहिए। अगर इसको बाइंग में जाना है तो फिर डब्लू फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, अगर इसको सेल में जाना है तो इसके नीचे लोअर लो प्राइस सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो ही फिर हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे किस तरह से जाना। इसलिए इस जोन को ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन बनने दे, हाई फॉर्मेशन यानी कि डब्लू फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर इसके नीचे लगातार लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है तो फिर सेल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी चलिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पर लगातार अब हायर हाई बनाते जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीक में यहाँ पर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर लंबा कंसोलिडेशन किया एंड ए अभी अपर साइड में निकल चुका है, हायर रेंज का ब्रेकआउट हो चुकी है। दैट मीन्स ए अभी और मोमेंटम करेगा अपर साइड, अभी ए और मूव कर सकती है। 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, ये भी यहाँ से कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन बना सकती है। ये अभी फिलहाल 25,000 टारगेट टर्न करने के बाद ही सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन दिखाएगा, अभी कंटिन्यूअसली अपर साइड में जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल में तो ए अभी अभी भी स्टील अपर साइड के ही जाने का यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया हुआ, फ्लैग बनाया हुआ था, फ्लैग बटन है, फ्लैग बटन का ब्रेकआउट दिया एंड अपर साइड में मूव करते जा रहा है। एक साइकोलॉजी लेवल तक टारगेट होना चाहिए 25,000। 25,000 के पास से मे भी यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा और टारगेट 23,000 के समथिंग होना चाहिए। अगर 25,000 तक ये जाता है तो रिटेस्टिंग के लिए आ सकती है, यानी कि इस जोन के आसपास में आएगा तो फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग 25,000 के लेवल से ही हमें देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी ये कंटिन्यूअसली अपर साइड में निकल सकती है। यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो ए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। 23,350-23,360 का लेवल ए रेजिस्टेंस है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग बाइंग करेंगे। और ए टारगेट फर्स्ट टारगेट हम लोग को यहाँ पर 24,450 का एंड नेक्स्ट टारगेट 24,500 का होना चाहिए। सेलिंग के लिए हम लोग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, सेलिंग के लिए हमें इस प्लेस पर कुछ न कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मे बी यहाँ पर एक रेंज बना करके 50-60 पॉइंट का रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो सेल के लिए प्लान करेंगे, या फिर इस पॉइंट पर एक एम पैटर्न या थोड़ा सा अपर साइड मूव करने के बाद ये जो हाई लगा हुआ है इस लेवल के पास से एम पैटर्न बनाती है, लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है, तो हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी स्ट्रांग है तो हमें यहाँ पर एक 150-200 पॉइंट के करेक्शन के बाद बाइंग के लिए प्लान करनी चाहिए। देखेंगे यहाँ पर भी 350 से यहाँ पर लगभग 200 के पास में आया, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर अपर साइड में मूव कर गया, तो इसलिए बैंक सॉरी निफ्टी 50 में 150-200 पॉइंट करेक्शन के बाद बाइंग के लिए प्लान करें तो वहां से एक अच्छा पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है। और सेलिंग के लिए टॉप के लेवल से प्लान करें जो हाई लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई या फिर कोई साइकोलॉजी लेवल का रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वहां से एम पैटर्न, लोअर लो फॉर्मेशन या फिर कोई सेलिंग का पैटर्न बनने के बाद वहां पर सेल के लिए प्लान करें। इस मिनट में सेल के लिए प्लान ना करें क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग होती है, इस बीच में सेल का प्लान करेंगे तो किसी भी पॉइंट से तेजी का रिवर्सल यानी कि बाइंग साइड में मोमेंटम होता हुआ दिखेगा, तो ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सेल में अभी जाने का कोई कुछ खास यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आती भी है तो बाइंग का प्राइस एक्शन देकर बाइंग की तरफ हम लोग प्लान करेंगे तो एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेंड के साथ बने रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा निफ्टी 50 में। अगर बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।